अरे 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 वो टू के लोग मंडी पीते हैं नमस्कार देवी और सज्जनों स्वागत है आपका रेडबुक चैनल में जिसका नाम है फ्लाइंग बीज मेरा नाम है गौरव तरेजा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @tareja.gaurav व्हाट अ वर्कआउट यूजुअली मैं होटल्स में ज्यादा वर्कआउट करता नहीं बिकॉज होटल्स में वेट्स नहीं होते कार्डियो होता है बट यहाँ पे अच्छा वर्कआउट हुआ बिकॉज दे आर गुड वेट्स ऑल्सो वन मोर टिप अगर आपको वर्कआउट्स में फील हो रहा है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं आपका रिजल्ट नहीं आ रहा यू नो व्हाट द कल्प्रिट इज आप यहाँ गलत जा रहे हैं अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता आप जिम में फोन कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप फोन को घर छोड़ के जाइए अनलेस आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और आज मैं मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिटी नागपुर में जो कि सेंट्रल इंडिया का पार्ट है विदर्भ का पार्ट है और मैं सुबह से सोच रहा था नागपुर में हूँ कुछ करता हूँ बिकॉज लास्ट टाइम मैंने डायमंड क्रॉसिंग का व्लॉग किया था एंड व्लॉग का रिस्पांस बहुत अच्छा था तो आज फिर से कुछ ऐसा करते हैं मैं सोच रहा था क्या करूँ फोन लगाया लोगों को भाई नागपुर में क्या चीज़ है करने के लिए क्या अच्छी चीज़ है कहते नागपुर में कुछ है ही नहीं जीरो माइल मैं वो कर चुका हूँ लास्ट टाइम बट फाइनली आई फाउंड समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन ट्विटर पे मुझे किसी का फोन आया था ट्विटर पे मुझे किसी का मैसेज आया था उस बंदे का था अगर आप नागपुर में हैं तो आप एक जगह की चाय पीजिए वो चाय बहुत ही सुपर सेक्सी होती है कपिल गुप्ता सर इफ यू कैन सी नागपुर में कहाँ बताओ सो इफ यू रिप्लाई विद इन द नेक्स्ट वन आवर और सो मे बी मी एंड कपिल विल हैव कप ऑफ टी सो हमारा खाना आ चुका है खाने की अनबॉक्सिंग आपको पिक करके दिखाएंगे तो जी हाँ दोस्तों ये है खाना ये है ग्रीक सैलेड विदाउट एनी ड्रेसिंग ऑन द साइड दिस इज घूंघर उठा के चिकन सूप आई डोंट ईट दिस एंड दिस इज ग्रिल्ड चिकन तंदूरी चाय मिलता है वहाँ पे हैं वही पिला दो यार एक तरह बहुत लोग बोल रहे हैं वहाँ का चाय पी के आइए तो कपिल गुप्ता जी को मैंने रिप्लाई कर दिया भाई कि तिरंगा स्क्वायर पहुँचो फटाफट तो उसने लिखा था तिरंगा स्क्वायर पहुँचो चाय के लिए वहाँ अच्छी चाय मिलती है तंदूरी मैंने कहा वहाँ पहुँचो फटाफट 20 मिनट में हम भी पहुँच रहे हैं आपका नाम तो बताइए जी दीपक दीपक जी थैंक यू सो मच तो गाइस अभी आ चुके हैं नागपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और जो दीपक जी हैं कैब वाले इनको मैंने से बात बताया कि मेरा चैनल है मैं वीडियो बनाता हूँ तो उन्होंने कहा कौन सा चैनल है उन्होंने खोला और इतने टैक्स अभी तक ठक ठक कर रहे मैंने अपनी प्ले लिस्ट में सेव कर लिया है ऑफलाइन मोड में कर लिया अब इसको देख लूँगा बाद में तो मेरी आँखें फटी की फटी रह गई तो अभी आ चुके हैं नागपुर रेलवे स्टेशन और जो चाय वाली बात थी मैंने ट्विटर पे रिप्लाई किया था भाई को भाई ने अभी रिप्लाई नहीं किया मुझे लगा उन्होंने देखा नहीं तो मैं वहाँ जाकर वेट करूँगा उनका तो चाय पीने के मज़े नहीं आएंगे अगर उनका रिप्लाई दोबारा आता है तो मैं यहाँ से जहाँ से ट्रेन से जाऊँगा वहाँ से फिर दोबारा मैं टाइम बचा तो उनसे एक बार चाय पी के मिल के ही जाऊँगा क्योंकि कमिटमेंट कर चुका हूँ एक्चुअली यहाँ लाइन बहुत लंबी तो मैं सोच रहा हूँ कि अनरिजर्व टिकट ही ले लेता हूँ मैंने रेलवे में अनरिजर्व कभी ट्रैवल एक बार किया शायद इधर नहीं मिलेगा ठीक है सर अजनी जाना है अजनी 30 रुपये चल रहे एक्चुअली बोल रहे हैं कि जिस ट्रेन से मुझे जाना था विदर्भ एक्सप्रेस से बोलते हैं वो अजनी पे रुकती नहीं है अभी आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ मुझे टिकट लेकिन तो मैं पूरा समझाऊंगा आपको अभी मैं जा रहा हूँ इंक्वायरी काउंटर पूछने के लिए बॉस चक्कर के सर अजनी कौन सा ट्रेन जाएगा अजनी कौन सा ट्रेन जाएगा विदर्भ जाएगा 5 बजे जाएगा ना 5 बजे वो मना कर रहे हैं टिकट नहीं जाएगा तो इंक्वायरी वाले तो कह रहे हैं भैया विदर्भ जाएगा 5 बजे और वो मेरे को कह रहे थे नहीं जाएगा 10 मिनट बचे ट्रेन छूटने में भागता हूँ मैं सर विदर्भ जाएगा बोल रहे हैं 5 बजे जाएगा 5 बजे 45 से 45 हाँ दो ना बड़ा बड़ा खड़ी खड़ी है ये है गाड़ी लखनऊ यशवंतपुर एक्सप्रेस इसके बाद आगे विदर्भ एक्सप्रेस अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी शांति आई कैन टॉक टू यू नागपुर सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ से हिंदुस्तान की सबसे छोटी स्केड्यूल ट्रेन सर्विस चलती है मतलब कि प्रॉपर स्टॉप है उसका नागपुर से अजनी रेलवे स्टेशन तक की ट्रेन चलती है जिसका कि डिस्टेंस है 3 किलोमीटर और सारी सुपर फास्ट ट्रेन वहाँ पर रुकती है इज़ दिस ग्रेट नागपुर सारी सुपर फास्ट ट्रेन वहाँ पर रुकती है टूट गया क्या है टूट गया गिरा हुआ यहाँ पे देखो बहुत जोर का आवाज है टूट गया ना वो टूट गया ना वो यहाँ से वो देखो ना मुंडी फिर ओ
वो पूरा जो मेटल का है ना वो ओ जैसे इसमें लगा जाए उसमें लगाए उसमें लगाए बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गए यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे रेलवे स्टेशन पे ही तो ट्रेन है यहाँ पे एकदम जैसे ही मैं टाइम लैप्स शूट कर रहा था मैं का टाइम लैप्स मैं लगाता हूँ शूट करने को जैसे ही लगाया तुड़ूम से आवाज आई मुझे लगा पता नहीं कुछ ट्रैक चेंज हुआ बट दिस वाज अनयूजुअल नॉइज फर्स्ट टाइम मैंने देखा ऐसा कुछ हुआ यार थैंक गॉड ट्रेन स्पीड में नहीं थी और किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची आप जब थे यहाँ पे जब ये हुआ टूटा था बहुत जोर का आवाज आया ना तुड़ूम कभी पहले देखा है ना कुछ होता हुआ फर्स्ट टाइम मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा यार अभी पीछे विदर्भ एक्सप्रेस आएगी मैं आपको विदर्भ की बात बता रहा था पीछे सामने एक्सीडेंट हो गया तो जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आज सुपर फास्ट ट्रेन है ऐसे रुकती नहीं है सुपर फास्ट लॉन्ग डिस्टेंस ही रुकती है बट ये जो ट्रेन है सिर्फ 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसका नागपुर से अजनी शॉर्टेस्ट स्केड्यूल्ड रेल जर्नी ऑफ इंडिया जहाँ तक मुझे पता हो सकता है कि दुनिया की विश्व की सबसे छोटी रेल जर्नी हो क्योंकि 3 किलोमीटर के अंदर कोई सुपर फास्ट रुकती नहीं है स्टेशन पर टिकट लेने को कहता क्या सर आप क्या ट्रेन से जा रहे हो ओला करो जाओ टाइम वेस्ट करोगे ट्रेन में मैंने कहा नहीं मेरे को वीडियो बनाना है इसलिए मैं ट्रेन से जा रहा हूँ जो मैंने डायमंड क्रॉसिंग का वीडियो बनाया था वो भी यहीं था नागपुर का ही सीधा जाके सिधाई में पड़ती है डायमंड क्रॉसिंग यहाँ से सीधा निकल जाएंगे तो आपको मिल जाएगी डायमंड क्रॉसिंग तो ये वाली ट्रेन है वो जिसका हादसा हुआ था इसे खींचा जैसे यहाँ से वहाँ से डब्बा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है गार्ड ने झंडा दे दिया लेकिन ये प्लेटफॉर्म घुमा हुआ ऐसे तो दिख नहीं रहा होगा ड्राइवर को क्या करे ड्राइवर बेचारा वायरलेस पे बोलना चाहिए ना झंडा को दिखाना फिर नहीं दिखाना चाहिए रीति रिवाज है तो वो गार्ड है बट ये प्लेटफॉर्म देख सकते हैं प्लेटफॉर्म आगे से घुमा हुआ है तो सीधा प्लेटफॉर्म नहीं है चलो चलो अरे भाई उतर जा पहले उतर जा तू सो हिंदुस्तान की सबसे छोटी रेल जर्नी भाई कैमरा गिरते गिरते बचा भाई साहब टाइट नहीं था टेक टू फ्लाइंग बीच हिंदुस्तान की सबसे छोटी ट्रेन जर्नी शुरू हो चुकी है मैं यहाँ से उतरने के बाद चेक करूँगा क्या ये विश्व की सबसे छोटी क्योंकि 3 किलोमीटर की मुझे लग रहा है शायद ये विश्व की सबसे छोटी ट्रेन जर्नी है अगर किसी को पता हो और कोई मुझे मेहनत करने से बचा सकता है गूगल की मेहनत आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज आप कहाँ तक जा रहे हैं भैया ये कहाँ पड़ता है ये अकोला के आगे आप वहीं के रहने वाले वहीं के रहने नागपुर के आप धंधे के लिए आते हो नहीं नागपुर में रिश्तेदार रहते हैं अच्छा अच्छा एक बात बताओ नागपुर में सबके रिश्तेदार क्यों रहते हैं और मैंने देखा कोई दूर का किसी का नागपुर में कोई रहता है नागपुर बड़ी सिटी है ना बड़ी सिटी और ठंड बीच में ना हिंदुस्तान के बीच में और यहाँ मतलब बिजनेस भी हर चीज का लेकिन रिश्तेदार भी रहते हैं कौन कहा मासी कौन बुआ नागपुर वाली बुआ मैं दिल्ली का हूँ मैं बस यहाँ अजनी तक जा रहा हूँ आपको पता है नागपुर से अजनी अजनी सबसे छोटी रेल यात्रा है पूरे इंडिया में सिर्फ 3 किलोमीटर तक की है और सुपर फास्ट ट्रेन वहाँ रुकती है क्यों रुकती पता है आपको क्योंकि भाई अंग्रेजों ने इसको ऐसे ही बनाया था पहले क्या था कि जो हमने गेहूं थी ना गेहूं वो अजनी में उतरती थी आज भी उतरती है आज भी उतरती है ना में हर चीज उतरती है अजनी में आपको तो पता है फिर इसका मतलब तो इसीलिए जो है सुपर फास्ट जो है दूर दूर से जो सामान लद के आता है सुपर फास्ट में क्योंकि अगर बॉम्बे से कुछ सामान आ रहा है तो फिर वो अजनी में अजनी में ही रुकेगा क्योंकि सुपर फास्ट में क्योंकि वो तेज पहुंचता है और नागपुर में अजनी में ही रुकता है तो ये तब की प्रथा है कि अंग्रेजों के टाइम से ऐसा आ रहा है यहाँ सारे लोग एडवांस हो गए यार वो जब मैं टैक्सी वाले को बोला भैया फ्लाइंग बीच देखो उसने भी वो गूगल को बोल के बोला फ्लाइंग बीच हम लोग साला टाइप करने में हम लोग पीछे रह गए भाई मैं बोलूँ कैसे बोलते हैं फ्लाइंग बीस्ट एक सब्सक्राइबर बढ़वा लिया मैंने आज सब्सक्राइब कर देना भैया ठीक है कभी कभी दिल में आता है बस कि एक ट्रेन की टिकट कटवाऊं और घूमता रहूं जिंदगी जीऊं अपनी फिर दूसरे पर समझ में आता है कि जो लोग ज़्यादा स्टार्ट बनने की कोशिश करते हैं उनका लाइफ कटता ही है अजनी आ गया स्टेशन तो गाइस हमारा स्टेशन आ चुका है अजनी थैंक यू भाई बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे ये हमारी 5 मिनट की जर्नी थी कुल है ना सर हमें को उतर दे दीजिए फंस जाएंगे ऐसे सर हाँ दोनों फंस जाएंगे हम लोग हाँ तो ये आ गया मेरा स्टेशन अजनी दिस इज सुपर फास्ट ट्रेन और ये अजनी स्टेशन है विश्व की सबसे छोटी ट्रेन यात्रा यहाँ सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है क्या सर 1 मिनट का स्टॉप है सर Oh.
ये गाड़ी पीछे आ रहा है, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही होगी। चलिए बराबर है, फाइनली ट्रेन चल गई। गार्ड साहब जो सिग्नल देते थे तो परेशान हो रहे, चलिए सर बराबर है, ट्रेन बराबर है, चलिए चलिए चलिए। सुगैद आपको दिखा देता हूँ ताकि आप डाउट ना रखें मन में। ये है अजनी स्टेशन, दुनिया का ऐसा, हिंदुस्तान को तो खैर मैं कह ही सकता हूँ, ऐसा स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन अभी भी रुकती है, सुपरफास्ट ट्रेन रुकती है। और यहाँ देखिए कोई नहीं है, मैं आराम से व्लॉगिंग कर सकता हूँ। वाह वाह, बाय बाय ट्रेन। तो गाइस एक दरख्वास्त है आप लोगों से, अगर आपको भी पता है कि आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आजू बाजू में अगर आपको कोई ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता है। मेरे को किसी शहर के बारे में रेगुलर फैक्ट्स या रेगुलर चीज़ें कवर करने में उतना मज़ा नहीं आता। जैसे अगर आप बोलेंगे भाई हमारे शहर में बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ी लेक है, वो सब अच्छी चीज़ें हैं, बट मुझे उसमें उतना फ़न नहीं आता बिकॉज़ वो बहुत लोगों को पता होती है। ऐसी कोई चीज़ हो दमदार मज़ेदार जो ज़्यादा लोगों को ना पता हो, छोटी सी चीज़ हो, कोई एक ऐसा आदमी हो जिसमें बहुत कोई स्पेशल कला हो, कोई भी ऐसी छोटी सी चीज़ हो, या कैसे ये चीज़ है, अगर ऐसी कोई चीज़ आपको पता है और आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं उसको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को। बाहर निकलने का रास्ता लेफ्ट है राइट है? इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर टू, होटल से नागपुर स्टेशन तक की गाड़ी मेरे को पड़ी 360 रुपये की, अजनी स्टेशन से होटल तक की गाड़ी पड़ी 150 रुपये की। सो गाइस ये था वीडियो, आज का स्पेशल वीडियो था, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लगते मुझे। और रितु कहती है कि अब तो तुमको रेलवे का वो अधिकारी बनाना चाहिए, सारे ब्लॉग तुम रेलवे में बनाते हो। थैंक यू वॉचिंग टुडेज ब्लॉग, सब्सक्राइब करना मत जाना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, ऐसे ही ब्लॉग्स हम बनाते रहते हैं, भारत भ्रमण कराते रहते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते रहते हैं। अभी बज रहा 6, हैव टू बी एट द एयरपोर्ट बाय 8, फ्लाई टू दिल्ली बैक, एंड दैट्स इट टुडे। बाय, टेक केयर, नमस्कार, लव यू ऑल एंड जय हिंद। भाई अपनी बहुत ज़ोर से लग गई, मुझे लगा 7:50 की रिपोर्टिंग है, 7:50 की फ़्लाइट है, यही पता चला। और ऑल्सो भाई कुल लड़ा अपनी चाय हो नहीं पाई बिकॉज उस बंदे का ट्वीट आया नहीं था, इसलिए आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो करेंगे। मेरी लॉन्ड्री 410 की है। अरे वाह, क्या टाइम पे लाओ यार।